हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉम का सेंस। मैं राजगिल और तमाम देखने और सुनने वालों को बता दूं कि आज हम मौजूद हैं एक लोकल शॉपिंग मॉल में और यहां बहुत सारी हमारी कॉम आई हुई है और हम चेक करेंगे कि हमारी कॉम का सेंस कैसे चल रहा है और उनके दिमाग को कहीं जर्न तो नहीं लग गया, क्योंकि जो हमारी कॉम है उनमें कॉमन सेंस जरा कम है या इस्तेमाल कम करती है। तो मैं चाहता हूं जितने लोग हमें देखने सुनने वो जरूर अपना सेंस इस्तेमाल करें और हमारे सवाल का घर बैठे भी जवाब दें हमें ईमेल करके। खैर, आज का जो पहला सवाल है वो बहुत ही मजेदार है और मेरा ख्याल है कि हमारी जो कौम है वो इसका जवाब नहीं दे पाएगी। सवाल यह है कि ऐसी क्या चीज है जो जिंदगी में सिर्फ एक दफा आती है उसके बाद नहीं आती, ऐसी क्या चीज है जो जिंदगी में सिर्फ एक दफा आती है उसके बाद कभी नहीं आती। तो चलते हैं हमारी कौम के पास और देखते हैं कि वो इसका जवाब कैसे देते हैं और क्या सोचते हैं और हमें क्या क्या मजेदार जवाब देते हैं। आ जाए आपने कैसा सवाल पूछ लिया? ऐसा सवाल है सर कि दिमाग घूम जाता है इसमें। हाँ, दिमाग घूम गया सर। कॉमन सेंस आपके अंदर समझते हैं? हाँ, जवाब देना इसका तो बड़ा आसान जवाब है। इंसान की अपनी जिंदगी एक ही दफा मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल ये है जी। हाँ, बस तो रोज आता है सर जिंदगी। किस्मत होती है, एक दफा आपको आजमाती है, अगर आपने उसको गेट कर लिया तो आप कामयाब हो गए, नहीं किया तो आप गए नाकाम हो गए। याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने यही सोच खड़े यही सोच रहा था मैंने क्या चीज़ है वो, याद नहीं आ रही मुझे। जवानी एक दफा का फायदा कितनी दफा उठाया आपने? फायदे ही फायदे उठाए हैं उसके, नुकसान तो अभी तक कुछ नहीं। नहीं, जवानी नहीं रहती इसका जवाब। फिर क्या है? नहीं, आजकल के जमाने में जवानी काफी अर्सा किधर रहती है? जो बात ही शाम को चली जाती है। नहीं, शाम को अभी इतने शॉर्ट पीरियड की आप बात कर रहे हैं तो वो क्या हो सकता है? बचपन, जवानी, तो काफी अर्सा रहती है ना। आती है की बार है, लेकिन रहती तो काफी देर में सब चीज़ एक ही बार होती है, जाए तो वापस नहीं आती। जी, इज्जत एक ऐसी चीज़ है जो एक ही दफा आती है, अगर वो खो जाए तो वापस नहीं आती, जाके वापस नहीं आती। मालूम नहीं यार, सोचो ना। मालूम नहीं क्या? मालूम नहीं आती? नहीं पता। नहीं क्या? नहीं पता। पता नहीं क्या आती है? प्यार एक दफा होता है, शादी भी पता एक दफा ही करता है। प्यार तो बहुत दफा होता है, मोहब्बत एक दफा होती है? मोहब्बत तो बार बार होती है, मोहब्बत बार बार होती है। प्यार एक दफा होता है? प्यार एक दफा होता है, एक ही दफा आएगा, उसके बाद नहीं आएगा दोबारा। एक दफा कमेंट में बात तो इन्होंने लॉजिकल सही की है, लेकिन फिर भी इसका जवाब ये नहीं है। कुछ और जवाब है तो किसी और के पास जाते हैं जो हमें सही जवाब दे दे। आ जाए। मौत, डेथ, पता नहीं, मैंने कहा जिंदगी या मौत ही होती है, नो नो आई। हाँ, डेथ ऑफ कोर्स। इन्होंने सही सोच के बिल्कुल सही जवाब दिया कि इंसान की जिंदगी में डेथ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ एक दफा आती है, उसके बाद ना आ सकती है, ना उसके बाद कुछ और आ सकता है। तो हमारे पास आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट है तो बड़ा अजीब सा लेकिन बड़ा मजेदार सा, ये देखें। ये आपके लिए, ये इसलिए ताकि आपको याद रहेगा, अपने दिमाग चलाए, ठीक है? तो अभी मैं सवाल कर रहा था कि भैया ऐसी क्या चीज है जो इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक दफा आती है और उसके बाद कभी नहीं आती। तो उसका सिंपल सा जवाब है कि इंसान की मौत या डेथ एक ऐसी चीज है जो इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक दफा आती है, उसके बाद कुछ नहीं आ सकता जिंदगी में। तो लोगों ने बड़े फनी फनी जवाब दिए, जवानी, बचपन और बीवी, पता नहीं क्या क्या, प्यार। तो सिंपल सा जो जवाब था वो मुझे सिर्फ एक खातून ने दिया और बाकी सब गलत जवाब थे। खैर, अब एक और बहुत ही मजेदार सा सवाल पूछने जा रहा हूँ और सवाल ये है कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आदमी चाहकर भी नहीं जा सकता? दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आदमी चाहकर भी नहीं जा सकता? तो चलते लोगों के पास और देखते हैं कि कौन हमें जवाब देता है। आ जाए। मैंने जहाँ तक सोचा मैं चला गया, जहाँ सोचा वहाँ चले गए। जगह चले गए? कहाँ गए जरा बताना। हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ चाहे और वहाँ चला गए। जंगल में चाहे भी तो नहीं जा सकता, वो दुनिया में नहीं है। तो कोई बात नहीं है, खैर इधर दुनिया की बात कर, यहाँ बोलते नहीं उस मोहल्ले नहीं जाना, वहाँ तो पूरा दोजख बना है। बरमूडा ट्रायंगल एक जजीरा है, सुना है कि उस उधर बंदा जो है ना वो कशिश है, उधर भी कोई नहीं जाता। बरमूडा ट्रायंगल? हाँ जी, स्पेस ही है, दुनिया में नहीं है ना, वो तो दुनिया से बाहर है। तो दुनिया का हिस्सा यार वो भी। चांद तो दुनिया के बाहर है ना, ऐसी तो कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं है जिधर बंदा नहीं जा सकता। तुक्का मारो। तुक्का मारो? मुझे आइडिया नहीं। तुक्का नहीं, तुक्का मुझे पता, एक आइडिया हो ना कि नहीं जा सकते वहाँ पे। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब जगह जा सकते हैं। ब्यूटी पार्लर तो नहीं? ब्यूटी पार्लर में क्यों नहीं जा सकते? जा सकते, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते। जमीन कितना है? जा सकता है, खोद के चला जाएगा। समुंदर कितना है? वहाँ पे तेल निकलता है वहाँ पे, तय नहीं हो सकता। हर समुंदर इतना गहरा है, तेल निकाल रहे हैं लोग। आई डोंट नो दैट। जन्नत? जन्नत दुनिया में नहीं ना, दुनिया में हमें होती तो सब पहुँच गए होते, पहले से अपनी पर्ची कटवा के आए थे वहाँ पे। नो आइडिया। आदमी हर जगह जा सकता है, आजकल तो पार्लर में भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट तो घर की बात ही नहीं रही यार। को मेरे ख्याल रेगिस्तान ही होगा कहीं, जहाँ पे हर जगह पहुँच जाते हैं लोग।
नहीं डेजर्ट कहते रहे तो चले जाते हैं डेजर्ट में। जहाँ पे सुनामी आ रही होगी वहाँ पे नहीं जाना होगा। सुनामी आ रहा होगा वहाँ नहीं जाएंगे। नहीं डेजर्ट दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ इंसान नहीं जा सकता यार। जगह पे आदमी जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। दुनिया में हर ऐसी जगह है, सारी जगह पे आदमी जा सकता है। तो अभी मैं सवाल कर रहा था कि भैया दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आदमी चाह कर भी नहीं जा सकता। आदमी की बात कर रहा था, इंसान की नहीं, आदमी मतलब मेल। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि लेडीज वॉशरूम जो है एक ऐसी जगह है, कहीं पर भी होगी तो आदमी जो है वहां पर नहीं जा सकता। तो सिंपल सी बात थी, लोगों ने पता नहीं क्या क्या जवाब दिए, बरमूडा ट्रायंगल और पता नहीं क्या क्या। खैर सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा जवाब था, लेकिन लोग सोचते नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हमारी कौम सोचे समझे और फिर जवाब दे, लेकिन फिर भी गलतियां होती हैं, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि आजकल मैं बहुत आसान सवाल लाता हूँ ताकि लोग ज्यादा सोचने पर मजबूर ना हो, लेकिन फिर भी नहीं जवाब दे पाते इतने आसान सवालों की, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर अब वक्त है ब्रेक पे जाने का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है और आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं qks@dawnnews.tv पर, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं, वहां भी अपने मैसेज कर सकते हैं ताकि वो हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर लें। तो मैं जा रहा हूं ब्रेक पर, जब हम वापस आएंगे तो करेंगे कुछ और मस्ती और देखेंगे कि हमारी कौम का सेंस कैसा है। आ जाए मुझे बड़ा मजा आता है, और ये टंग ट्विस्टर भी आप ही लोगों में से किसी ने भेजा हुआ है फेसबुक पे, उन्होंने पोस्ट किया था तो हमें पसंद आया, हमने सिलेक्ट कर लिया। तो आप जब भी हमें टंग ट्विस्टर भेजते हैं तो कोशिश किया करें वो छोटा और इंटरेस्टिंग हो, और बहुत ज्यादा भी मुश्किल ना हो और बहुत ज्यादा आसान भी ना हो। तो ये टंग ट्विस्टर बड़े मजेदार था मुझे लगा। तो टंग ट्विस्टर है, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी। तो चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं वो ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं बोल सकते, हमारा डायरेक्टर भी नहीं बोल सकता। चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं वो ये बोल सकते हैं या नहीं। आ जाए लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, लड़की ने लकड़ी से मक्खी मारी, पर क्या है? मक्खी नहीं मकड़ी। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी। ओके फाइव टाइम्स हो गया फुल, वो दफा हुआ है। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, लड़की ने लकड़ी से क्या था, मकड़ी मारी। लड़की ने लकड़ी से लकड़ी लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, लड़की ने लड़की से मकड़ी मारी, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, लड़की ने लड़की से मकड़ी मारी, लड़की ने लड़की से मकड़ी मारी, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, लकड़ी ने लकड़ी से मकड़ी मारी, लकड़ी ने लकड़ी नहीं लड़की, लड़की ने लकड़ी से मक्खी मारी, मक्खी नहीं मकड़ी। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, मकड़ी इतना आसान है, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, मकड़ी मारी, लड़की ने लकड़ी से 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 मकड़ी मारी। गलतियाँ कितनी दफा होंगी? हर हर में मिस्टेक हुई है। लड़की ने मकड़ी से लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, लड़की ने सॉरी नहीं हो रहा लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, 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 लकड़ी ने लड़की से मकड़ी मारी, लकड़ी ने लड़की बात गलत हुआ है, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी। ना स्लो चले, तेज बोल देते हैं। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, 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 और लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी। गलती हो गई, और नहीं था विषय। लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, 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 लड़की ने मकड़ी से मकड़ी मारी, लड़की ने मकड़ी से मकड़ी मारी। लड़की
लड़की ने लकड़ी से मकड़ी मारी, 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 और बीच में से कोई गुजर गया, कोई बात नहीं, खैर ऐसा होता रहता है। फिर हमारा उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आया, और हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जितने लोग हमें वहाँ देख रहे हैं सुन रहे हैं वो जरूर इसको ट्राई करेंगे और अपने दोस्तों को भी बोलेंगे ट्राई करने के लिए, और इस टंग ट्विस्टर से लुत्फ अंदोज होंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरटेन करें। खैर वक्त है ब्रेक पे जाने का, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी कोई ऐसा टंग ट्विस्टर आप चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं qks@donews.tv पर, या फिर आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम तक चीजें भेज सकते हैं ताकि वो हम प्रोग्राम ऐड करें और प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा बनाते जाएं। तो मैं जा रहा हूं ब्रेक पे, जब हम वापस आएंगे तो करेंगे कुछ और सवाल और देखेंगे कि हमारी कॉम का सेंस कैसा है। आ जाए ब्रेक में, और आइल गिलर आप देख रहे कॉम का सेंस। अब वक्त हुआ है सबसे मजेदार सवाल पूछने का, बहुत ही मजेदार से सवाल मैं पूछूंगा, और हमारी कॉम जो है वो सोच समझ के जवाब नहीं दे रही, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारी कॉम सोचे समझे और फिर जवाब दे ताकि गलतियां कम से कम हो, और बहुत ही आसान सवाल मैं ला रहा हूँ आजकल ताकि लोग ज्यादा ना सोचें फटाफट जवाब दें, क्योंकि गलतियां बहुत करते हैं। तो सवाल ये है कि एक महीने में कितने सेकंड होते हैं, एक महीने में कितने सेकंड होते हैं, तो चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कि वो इसका क्या जवाब देते हैं और उनका दिमाग कितना चलता है। अरे ज्यादा हो सकते हैं, एक लाख से ज्यादा तकरीबन, और लाख से ज्यादा होंगे, लाख से ज्यादा। जैसे आपने बात की कैलकुलेशन की तो कैलकुलेट करके बता दूं करें, जस्ट जी मोबाइल निकाल लिया है, कैलकुलेटर भी एरर दे रहा है, कैलकुलेटर भी एरर, ई आ गया, यानी इतने डिजिट्स हैं कि ई आ गया, 25 लाख ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली, हाँ कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 25 लाख, 31 का ओवर मंथ, 31 का 21 का और 26 लाख इस तरह का होगा, 26 लाख सेकंड तो नहीं, दिन होते हैं यार महीने में, दिन होते हैं, सेकंड नहीं होते, नहीं पक्का, सेकंड तो घंटे में होते हैं, हेलो तो घंटे भी तो दिन में कन्वर्ट होते हैं, दिन मंथ में कन्वर्ट होता है, 10 लाख सेकंड, 10 लाख सेकंड जी पक्का, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली गलत है जवाब, बिल्कुल पता है 3,600 वो गलत जवाब है, गलत जवाब बिल्कुल, बहुत लंबे मार्जिन से गलत है, फिर भी बता दें, फिर मैं बताऊंगा पहले सोच लें आप, एक महीने में तो एक से एक मिनट में 60 कम करते हैं, सोचने वाला काम ये कम करते हैं, 7,000 जी जवाब है, मुझे ये आते हैं, आप बताएं एक मंथ में कितने सेकंड होते हैं, सही है नहीं पता नहीं, कंफर्म नहीं है, कम नहीं, नहीं ये कह रहे हैं कंफर्म नहीं है, वो कह रहे हैं 3,500 कुछ, 3,800 ये कह रहे हैं, 6,800, तो सबके जवाब गलत हैं, इसका जवाब ये है कि एक महीने में सिर्फ एक ही सेकंड होता है, फर्स्ट सेकंड। मैं सवाल कर रहा था कि भैया एक महीने में कितने सेकंड होते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे सके, इनफैक्ट कोई जवाब नहीं दे सका, तो इसका सिंपल सा जवाब था कि एक महीने में एक ही सेकंड होता है, जब हम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ दिसंबर, सेकंड ऑफ दिसंबर, तो सेकंड मतलब डेट, सेकंड दो तारीख, सेकंड सिंपल सी बात थी, लेकिन लोगों ने पता नहीं कितने लाख सेकंड मुझे गिनवा दिए, तो मंथ में एक ही सेकंड होता है जो सेकंड तारीख होती है, सिंपल सा जवाब है। अब एक और बहुत ही मजेदार सवाल मैं पूछे जा रहा हूँ, और देखेंगे कि हमारी कौम इसका जवाब दे सकती है या नहीं दे सकती। सवाल ये है कि एक बंदा 20-25 मिनट से सीधा भाग रहा है लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं रहा, क्यों? तो चलते हैं हमारी कौम के पास और देखते हैं वो इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। आ जाए भाग क्यों रहा है वैसे, उसका दिल चाह रहा है, दिल क्यों चाह रहा है, दिल क्यों चाह रहा है, भाई पता नहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ है, भाग रहा है गाड़ी में थोड़ी है, जगह नहीं मिल रही है उसकी, तो पहुँचना कहाँ है पहले उसने सोचा था, ये नहीं उसने सोचा, तो फिर जाना कहाँ है ये तो आप बताए ना, भाग रहा है कहीं ना कहीं, तो वो भाग क्यों रहा है, सबसे पहली बात तो ये पीछे कुत्ते पड़े कुत्ते उसके पीछे पड़े तो मैं क्या कह सकती हूँ, खड़ा हुआ भाग रहे खड़ा हुआ कैसे दौड़ सकते हैं सर, खड़े तो दौड़ सकते, आप दौड़ के दिखाए, दौड़ो पहुंचे ही नहीं अभी तक, मैं ये जाओ दौड़ता दौड़ के दिखाए,
मंजिल का पता हो तो भाई वो जाके रुके ना वहाँ, इसी वजह से तुम 20 मिनट तक भागो तो पहुँच जाओगे। कहाँ पहुँच जाऊँ, यहाँ से ले आ रही, मैं 20 मिनट में तो नहीं पहुँचूंगा। उसको रास्ता ही नहीं पता होगा इसलिए भाग ही जा रहा है उसको। ये तो अब उसी को पता, पागल तो नहीं था। मोटा बोला था मैंने, दिमाग खराब थोड़ी बोला था। उसका दिमाग भी खराब हो सकता है ना काफी से। तो रुका नहीं होगा इसी वजह से नहीं पहुंचा। कोई नहीं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये जवाब नहीं, किस चीज पे भाग रहे हैं तो आपको सोचना है। घोड़े पे नहीं भाग रहा वो, अपनी टांगों भाग रहा है, भाग रहा है तो कहीं नहीं पहुंचेगा। भाग फिर कहाँ पहुंचेगा, सोच लिया। पक्का पक्का सोच लो, पक्का डन डन डन। नाम था आपका? जुनैद। जी बिल्कुल सही जवाब दिया कि वो ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, यानी रनिंग मशीन पे भाग रहे हैं, तो इसलिए कहीं नहीं पहुंच रहा। 20 मिनट या 20 साल भी भागता रहेगा तो कहीं नहीं पहुंचेगा, जहां पे है वहीं रहेगा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, इट्स वेरी क्यूट एंड वेरी फनी। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं तमाम देखने और सुनने वालों को जरूर मजा आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमेशा की तरह आपको जरूर एंटरटेन करें और ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन करें। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम देखने और सुनने वाले जरूर एंटरटेन हुए होंगे। खैर अब वक्त है मेरे जाने का, लेकिन उससे पहले जो आज का आखिरी सवाल था उसका मैं जवाब आपको बता देता हूँ। जवाब ये है कि भैया वो ट्रेडमिल पे भाग रहा था। सवाल ये था कि एक इंसान या एक शख्स 20-25 मिनट से भाग रहा है ना, आपकी सीट में कहीं पहुंच नहीं रहा, तो ट्रेडमिल पे भाग रहा है या रनिंग मशीन पे भाग रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसलिए कहीं नहीं पहुंचेगा, वहीं पे भागता रहेगा। सिंपल सी बात थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसका मुझे जवाब नहीं दे सके, कुछ ने मुझे इसका सही जवाब दिया। खैर अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास कोई सवाल है या टंग ट्विस्टर आप चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में ऐड हो जाए, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं qks@dawnnews.t पर, या फिर फेसबुक पे बहुत आसानी से आप हम तक पहुंच सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं, अपने सवाल बता सकते हैं, अपने टंग ट्विस्टर बता सकते हैं, ताकि वो हम अपने प्रोग्राम में ऐड कर लें। तो अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।